हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में। दोस्तों आज का हमारा जो विषय है वो है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। इस विषय के ऊपर दोस्तों मैं कुछ वीडियो बना चुका हूँ, आप उसको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों के लिए ऐसे वीडियो बनाता रहता हूँ। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं जो अति लघु उत्तरी प्रश्न है। इसमें जो पहला प्रश्न दिया कि संप्रेषण क्या है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। दो व्यक्तियों के बीच भाव, विचारों तथा अन्य तथ्यों का आदान प्रदान संप्रेषण कहलाता है। अगर एग्जाम में पूछ लिया एक नंबर में कि संप्रेषण क्या है, तो इसमें कुछ नहीं लिखना है, बस दो व्यक्ति हो गए उनके बीच क्या जो भाव और विचार है, तथ्य, उनको आदान प्रदान करना आपका क्या कहलाएगा, वो संप्रेषण कहलाएगा। अब देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न। इसमें क्या प्रश्न पूछा है कि संप्रेषण के घटक या कारक बताइए। तो जो संप्रेषण के घटक या कारक है आप जानते होंगे मुख्य रूप से पाँच हैं। पहला है प्रेषक, दूसरा है संदेश, और वो संदेश किस माध्यम से दे जाता है, वो माध्यम है और ग्राही जो आपका छात्र जो ग्रहण कर रहा है, आपका प्रेषक ऐसे टीचर है, ठीक है, और प्रतिपुष्टि आपका है, ठीक है, फीडबैक। अब देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न। इसमें पूछा है कि संप्रेषण के प्रकार बताइए। तो संप्रेषण जो प्रकार होते हैं वो दो होते हैं, एक शाब्दिक होते हैं और एक अशाब्दिक होते हैं, ठीक है, एक शाब्दिक और दूसरा अशाब्दिक। प्रश्न क्या पूछा है कि वैयक्तिक संप्रेषण क्या है। चलिए दोस्तों इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। एजी मेलबिन ने वैयक्तिक संप्रेषण को परिभाषित करते हुए कहा है कि विचारों का आदान प्रदान अथवा व्यक्तिगत वार्तालाप द्वारा बालकों को अध्ययन में सहायक। इन्होंने कहा है कि विचारों का आदान प्रदान अथवा जो व्यक्तिगत वार्तालाप होता है उसके द्वारा बालकों को अध्ययन में सहायक, ठीक है। आदेश निर्देश प्रदान करने के लिए शिक्षक का प्रत्येक बालक से पृथक पृथक साक्षात्कार करना, ठीक है। और इन्होंने बता रहा है कि आदेश निर्देश क्या करना है, प्रदान करने के लिए एक टीचर को, ठीक है, प्रत्येक बालक से पृथक पृथक साक्षात्कार करना है, हर एक बालक से प्रश्न करना है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या पूछा है कि सामूहिक संप्रेषण कक्षा शिक्षण में, ठीक है, या कक्षा शिक्षण के गुण बताइए। चलिए इसके गुण को हम लोग देख लेते हैं। जो पहला इसका है, यह विधि क्या होती है, सरल एवं सस्ती होती है, इसी कारण व्यवहारिक है, ठीक है। जो पहला है यह विधि सस्ती एवं सरल है, इसलिए क्या है, व्यवहारिक है। आपका सेकेंड पॉइंट क्या है, बालकों के संपर्क में आने के कारण अच्छे गुण ग्रहण करते हैं। जो बालक होते हैं अनेक बालकों के संपर्क में आने के कारण क्या करते हैं, वो अच्छे गुण सीखते हैं, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट है, यह विधि इतिहास, भूगोल, संगीत, कला एवं कविता के लिए उपयोगी। जो ये विधि है किसके लिए दोस्तों, इतिहास, भूगोल, संगीत और जो कला विषय हैं इन सब के लिए उपयोगी है। अब हम देखेंगे अगले प्रश्न में कि फ्रावेल के अनुसार शिक्षण क्या है, ठीक है। तो फ्रावेल का मानना है कि बालक कार्य करके ही सीखते हैं। फ्रावेल महोदय कहते हैं कि जो बालक हैं वह कार्य करके ही सीखते हैं और क्रिया द्वारा सीखना अस्थाई सीखना है, और जो खुद से वो क्रिया करके सीखते हैं तो वो सीखना क्या होता है, वो अस्थाई होता है। अब देखेंगे हम लोग अगले प्रश्न में। इसमें प्रश्न पूछा है कि प्रेरणा के तरीके बताइए, ठीक है। चलिए इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। इसके दो रहते हैं, पहला है शाब्दिक प्रेरणा, जिसमें आपको शाबाश, अच्छा, उत्तम आदि शब्द आते हैं, और आपका दूसरा अशाब्दिक प्रेरणा जिसमें दंड और पुरस्कार दोनों आते हैं। और एक प्रश्न देखेंगे, इसमें क्या प्रश्न पूछा है कि रुचि के संबंध में मैकडूगल का क्या कहना है। जो रुचि है उसके संबंध में मैकडूगल जो महोदय उनका क्या कहना है, चलिए हम लोग देख लेते हैं। उनका मानना है कि रुचि क्या है, प्रच्छन्न ध्यान है, तथा ध्यान रुचि का क्या है दोस्तों, वो क्रियात्मक रूप है, ठीक है। और देखेंगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न। इसमें प्रश्न पूछा है कि नियोजन के सिद्धांत का क्या महत्व है। जो नियोजन का सिद्धांत है उसका क्या महत्व है, जो पहला है योजना बनाकर कार्य करने से नियोजन का, ठीक है। इसमें जो पहला है आपका श्रम एवं समय दोनों की बचत होती है। दूसरा पॉइंट है आपका है शिक्षण अधिगम क्या होता है, क्रमबद्ध तरीके से होता है। तीसरा पॉइंट है शिक्षण का उद्देश्य पूरा होता है, मतलब जो आपका शिक्षक का उद्देश्य यह पूर्ण होता है। बस चलिए हम लोग देख लेते हैं। इसमें पूछा है कि चयन के सिद्धांत पर रायबन के विचार लिखिए। चलिए हम लोग देख लेते हैं। शिक्षक एक अच्छे चयन की योग्यता पर उसके कार्य की सफलता निर्भर करती है। मतलब कि इन्होंने बताया कि जो शिक्षक है
इनके एक अच्छे जो चयन की योग्यता है उसी पर क्या करता है, वो सफलता निर्भर करती है। चलिए हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न। इसमें पूछा कि आवृत्ति सिद्धांत का मूल भाव क्या है, जो आवृत्ति सिद्धांत है इसका मूल भाव। चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। करत करत अभ्यास के जड़ मति होत सुजान के आधार पर बार बार किसी भी पाठ को दोहराने से सीखे हुए पाठ के प्रति क्या है, विस्मरण की संभावना कम हो जाती है, मतलब उसके भूलने की संभावना बहुत कम हो जाती है। आप देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न। इसमें प्रश्न पूछा है कि शिक्षण सूत्र से आपका क्या अभिप्राय है, जो शिक्षण सूत्र है इससे आपका क्या अभिप्राय है। चलिए हम लोग इसके बारे में देख लेते हैं। शिक्षण सूत्र शिक्षण प्रक्रिया में विशेष विधियों का ज्ञान कराते हैं, ठीक है। जो आपके शिक्षण सूत्र हैं शिक्षण प्रक्रिया में विशेष विधियों का ज्ञान कराते हैं, जिन्हें ध्यान में रखकर शिक्षक, ठीक है, जिन्हें ध्यान में रखकर शिक्षण करके शिक्षक अपने छात्रों को उपलब्धि में गुणात्मक सुधार करते हैं, ठीक है, इसका शिक्षण सूत्र का इस्तेमाल करके। अब देखेंगे एक और प्रश्न है कि शिक्षण सूत्र की परिभाषा कीजिए, ठीक है। हम लोग देखेंगे किसके अनुसार, रेमंड के अनुसार शिक्षण सूत्र पद प्रदर्शन होते हैं। शिक्षण सूत्र क्या होता है दोस्तों, वह पद प्रदर्शन होते हैं जिसमें सिद्धांतों से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है, ठीक है, जिसमें क्या किया जाता है, सिद्धांतों से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न इसमें देखेंगे कि सरल से जटिल की ओर शिक्षण सूत्र को समझाइए। इस सूत्र का आशय छात्रों को पहले सरल करके पश्चात जटिल बातों की जानकारी दी जाए, मतलब कि सबसे पहले छात्र को सरल मतलब जो इजी है उस बातों का ज्ञान देना चाहिए, उसी को एक आधार बना के जटिल बातों का ज्ञान देना चाहिए, जिससे पाठ व विषय उनकी रुचि व ध्यान में बना रहे। यह मनोवैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है, जो आपका सरल से जटिल की ओर यह किस पे, यह मनोवैज्ञानिक प्रविधि पर आधारित है। एक और प्रश्न इसमें कथन दिया है कि किस शिक्षा सूत्र के अंतर्गत पहले किसी तथ्य या विषय की पूर्ण जानकारी अल्प रूप में दी जाती है, फिर उसको पृथक पृथक, ठीक है, अंश की जानकारी दी जाती है। यह सूत्र आपका था पूर्ण से अंश की ओर, ठीक है। जैसे एक बालक को अगर एक पौधे का ज्ञान देना, एक पेड़ का, तो सबसे पहले उसको एक पूरा पेड़ दिखाएंगे, ठीक है, और उसके बाद उसके एक एक पार्ट को, जैसे उसकी पत्तियाँ के बारे में बताएंगे, तना के बारे में बताएंगे, जड़ के बताएंगे, तो यही दोस्तों आपका है। देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न। इसमें प्रश्न पूछा है कि बालक जो पहले जानता है उसको आधार मानकर उन बातों को बताया जाता है जो वे नहीं जानते हैं, क्या कहलाते हैं, वो ज्ञात से अज्ञात की ओर। पहले जो बालक को ज्ञात है उन बातों को बताया जाएगा, फिर उन्हीं बातों का एक आधार मानकर नई बातें बताई जाएंगी। एक और प्रश्न इसमें दिया है कि स्थूल से सूक्ष्म की ओर सूत्र पर हर्बर्ट स्पेंसर के विचार लिखिए। चलिए देख लेते हैं। हर्बर्ट स्पेंसर ने इस सूत्र को अपनाने पर विशेष जोर दिया है। उनके अनुसार हमारे पाठ का प्रारंभ स्थूल वस्तुओं से किया जाए तथा अंत किसी दोस्तों हो वह सूक्ष्म बातों से हो, जिसे मूर्त से अमूर्त की ओर के नाम से भी जाना जाता है, आपको स्थूल से सूक्ष्म की ओर को। एक और प्रश्न इसमें पूछा है कि कौन सा शिक्षण सूत्र गेसाल्ट मनोवैज्ञानिक पर आधारित है, तो यह पूर्ण से अंश की ओर जो शिक्षण सूत्र है यह गेसाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित है। नेक्स्ट प्रश्न इसमें प्रश्न पूछा है कि शिक्षण प्रविधि से आपका क्या अभिप्राय है। चलिए इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। शिक्षण प्रविधि वास्तव में शिक्षण प्रक्रिया की शुरुआत है, ठीक है, जो आपकी शिक्षण प्रविधि है वास्तव में यह शिक्षण प्रक्रिया की एक शुरुआत है। शिक्षण कैसे हो, एक प्रश्न होता है कि शिक्षण कैसे हो, इसका उत्तर शिक्षण प्रविधि द्वारा ही प्राप्त होता है। जो शिक्षण प्रविधि है शिक्षण के जो नियम उसी के द्वारा प्राप्त होता है। पाठ वस्तु कितनी समझ में आई और कितनी अच्छे तरीके से समझाई जा सकती है, इसका निर्धारण शिक्षण प्रविधि द्वारा ही हो सकता है या किया जा सकता है। एक और प्रश्न इसमें प्रश्न पूछा है कि प्रश्नोत्तर विधि पर जो पार्कर का विचार किया है, चलिए देख लेते हैं। पार्कर का मानना है कि प्रश्न आदत कौशल के स्तर से ऊपर उठकर समझ क्रियाओं की पूंजी है, ठीक है, जो आपके प्रश्न क्या है, आदत कौशल के स्तर से उठकर समझ क्रियाओं की कुंजी है।
अगले प्रश्न देखेंगे, इसमें पूछा है कि वर्णन विधि के तरीके लिखिए, जो वर्णन है विधि इसके तरीके लिखिए। तो पहला है चित्र एवं मॉडल द्वारा, ठीक है, आप किसी भी चीज़ का वर्णन चित्र और मॉडल द्वारा अच्छे से कर सकते हैं, और भ्रमण द्वारा भी आप उसको कर सकते हैं। आपका नेक्स्ट है करके या प्रयोग द्वारा भी उसको आप वर्णन कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, इसमें प्रश्न पूछ लिया गया कि व्याख्यान विधि के लाभ लिखिए, जो व्याख्यान विधि है इसके क्या क्या लाभ है। चलिए इसका पहला है जटिल व दुरुस्त विषय का ज्ञान, आप सेकेंड है विषयों का क्या है सरलीकरण, नेक्स्ट आपका है स्वाध्याय की भावना, और आपका नेक्स्ट है पाठ के हर पहलू का ज्ञान, और नेक्स्ट पॉइंट अधिकतम सूचना एवं तथ्यों का ज्ञान प्रदान करना, ये क्या ये व्याकरण विधि के लाभ है। एक और प्रश्न इसमें दिया है कि खेल विधि पर ह्यूजेज एवं यूजेज का विचार लिखिए। चलिए हम लोग देख लेते हैं, वह विधि जो बालकों को उसी उत्साह से सीखने की क्षमता देती है, वह विधि जो बालकों को उसी उत्साह से, ठीक है, जिस उत्साह से वो कर रहे हैं उसी उत्साह से सीखने की क्या देती है, वह क्षमता देती है जो उनके स्वाभाविक रूप से पाई जाती है, जो बालक के अंदर स्वाभाविक रूप से पाई जाती है उसी उत्साह से वो सीखने की क्या देती है, वो क्षमता देती है, प्रायः खेल या क्रीड़ा विधि कहलाती है। चलिए देखेंगे हम नेक्स्ट प्रश्न, इसमें प्रश्न पूछा कि इस उद्यान में बालक पौधे पाठशाला बगीचा तथा शिक्षक माली है, यह कथन किसका है। तो दोस्तों यह कथन जो किंटर गार्डन का है, और ये बहुत ही फेमस वैज्ञानिक थे, मनोवैज्ञानिक फावेल, इन्होंने दिया था। अब देखेंगे अगले प्रश्न में, इसमें प्रश्न पूछा है कि भाषा शिक्षण की दक्षता कौन कौन सी है, जो भाषा शिक्षण की दक्षता है इसमें से आपका चार पॉइंट होता ही है, सुनना बोलना पढ़ना व लिखना। एक और प्रश्न देखेंगे, इसमें पूछा है कि कार्यशाला प्रविधि से आप क्या समझते हैं या क्या अभिप्राय है। कार्यशाला एक निश्चित विषय पर परिचर्चा का प्रायोगिक कार्य है जिसमें सभी प्रतिभागी सदस्य अपने ज्ञान अनुभवों व कौशल के पारस्परिक आदान प्रदान के द्वारा विषय के बारे में सोचते हैं, ठीक है, यह आपका कार्यशाला प्रविधि हो गया। अब देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, इसमें पूछा कि कार्यशाला का मूल सूत्र क्या है। इसका जो मूल सूत्र पूछा है, तो इसका जो मूल सूत्र है, उद्देश्य प्राप्ति के लिए आपस में मिलजुल कर सहयोगात्मक भावना से कार्य करना, ठीक है, जो इसका मूलभूत सूत्र का मकसद है कि जो उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आपस में मिलजुल कर, ठीक है, एक सहयोग की भावना से कार्य करना। देखेंगे अगले प्रश्न, इसमें पूछा कि जो आपका भ्रमण विधि से क्या आशय है। तो भ्रमण से आशय है घूमना, यह स्पष्ट है, स्पष्ट है कि इस विधि में स्थलों वस्तुओं का ज्ञान घूम घूम कर प्राप्त किया जाता है, इस विधि को हम लोग शैक्षिक भ्रमण भी कहते हैं। एक और प्रश्न कि भ्रमण विधि के लाभ लिखिए। तो पहला क्या इसका लाभ है, सीखना रुचिपूर्ण लगता है जिसमें बालक इंटरेस्ट के साथ सीखते हैं, दूसरा है सामाजिक भावना का इसमें विकास होता है, आपका तीसरा समस्त इंद्रियां क्या होती हैं क्रियाशील रहती हैं, और आपका चौथा पॉइंट क्या है सीखने में स्वतंत्रता रहती है, सीखने में बालक क्या स्वतंत्र रहता है, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, इसमें पूछा है कि TLM का पूरा नाम या उपयोग लिखिए, TLM का, चलिए देख लेते हैं इसका, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, शिक्षण अध्ययन सामग्री, तथा इसका उपयोग कक्षा शिक्षण कार्य को प्रभाव एवं रोचक बनाने के लिए किया जाता है। आप देखेंगे अगले प्रश्न, इसमें प्रश्न पूछा कि गतिविधि से आप क्या समझते हैं, वह तरीका जो अधिगम प्रक्रिया को रोचक बनाता है, वह प्रक्रिया जो अधिगम प्रक्रिया को रोचक बनाता है तथा जिसके द्वारा प्राप्त ज्ञान के हाथ अस्थायी होता है। एक और प्रश्न देखेंगे, इसमें प्रश्न पूछा कि गतिविधि आधारित शिक्षण क्या है। चलिए हम लोग जान लेते हैं, जब सिखाने की प्रक्रिया गतिविधि के आधार पर कराई जाती है, ठीक है, जो आपका सीखने और सिखाने का कार्य किसके आधार पर गतिविधि के द्वारा कराई जाती है, तो इसे गतिविधि आधारित शिक्षण कहते हैं, या शिक्षण क्या है नवीन विधा है। देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, इसमें दिया है कि बाल केंद्रित शिक्षण से क्या अभिप्राय है, जो बाल केंद्रित शिक्षण है इससे क्या अभिप्राय है। बाल केंद्रित शिक्षण बालकों की रुचियों
प्रवृत्तियों तथा क्षमताओं, ठीक है, क्षमताओं को रखकर आयोजित की जाती है। जो बाल केंद्रित शिक्षण में जो बालक की रुचियां हैं, प्रवृत्तियां हैं, क्षमताएं, उनको रखकर ये आयोजित किया जाता है। इस शिक्षण के द्वारा बालक के व्यक्तित्व का पूर्ण सम्मान करते हुए, मतलब ये जो शिक्षण है इसके द्वारा, बाल केंद्रित शिक्षण है, इसके द्वारा बालक के व्यक्तित्व का पूर्ण सम्मान करते हुए उसके सर्वांगीण विकास का एक प्रयास किया जाता है। इसलिए वर्तमान जो शिक्षा है वह बाल केंद्रित शिक्षा है कि बालक के जो सर्वांगीण विकास के लिए क्या क्या किया जा सकता है। इसमें देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न की, प्रश्न यह है कि क्रियापरक विधि से क्या अभिप्राय है। चलिए इसका उत्तर हम लोग देख लेते हैं। क्रियापरक विधि का प्रयोग उस समय किया जाता है जब किसी विषय के शिक्षण में लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए छात्रों के द्वारा किसी प्रकार की क्रिया की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे कि रुचिपूर्ण शिक्षण में किए जाने वाली क्रियाकलापों का उल्लेख या ध्यान कीजिए, ठीक है। चलिए इसका उत्तर हम लोग देख लेते हैं। निम्न है, ठीक है, जो रुचिपूर्ण शिक्षण संबंध क्रियाकलाप निम्न है। पहला है गीत कविता, दूसरा है कहानी चित्रण, तीसरा खेल है, चौथा अभिनय नाटक, ठीक है, और आपका जो पांचवा है भ्रमण निरीक्षण, आपका नेक्स्ट है पहेली, फिर है नेक्स्ट वार्तालाप, ठीक है, और आपका लास्ट है पर्यावरण में पाई जाने वाली वस्तुओं का उपयोग, ठीक है। ये आपका दोस्तों हो गया। आप देखें हम लोग नेक्स्ट प्रश्न, गेज के अनुसार शिक्षण कौशल क्या है। जो गेज है महोदय उनके अनुसार शिक्षण कौशल क्या है, तो गेज के अनुसार शिक्षण कौशल एक विशेष अनुदेशन क्रिया है जिसका प्रयोग अध्यापक अपनी कक्षा में करता है। आप देखेंगे एक और प्रश्न है कि दक्षता आधारित शिक्षण का क्या अर्थ है। तो दक्षता आधारित शिक्षण से तात्पर्य दक्ष अध्यापकों द्वारा ऐसी शिक्षण जो छात्रों को ज्ञान प्राप्त में दक्ष बनाती है, ठीक है। मतलब कि इसमें क्या होता है, दक्ष अध्यापकों द्वारा शिक्षण में छात्रों को ज्ञान प्राप्त में क्या वह दक्ष बनाता है, जिससे जिससे क्या हो, उस बालक का तभी विकास संभव होता है जब शिक्षार्थी किसी ज्ञान की इकाई को उसी सीमा तक सीख ले, वह उसके जीवन का अंग बन जाए। ये दक्षता आधारित शिक्षण का अर्थ है। एक और प्रश्न देखेंगे कि दक्षता आधारित शिक्षण के उद्देश्य हैं, उद्देश्य क्या है। तो पहला है छात्रों को विषय विशेष में दक्ष बनाना, प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करना, नेक्स्ट है ज्ञान को स्थायित्व प्रदान करना, आपका नेक्स्ट है शिक्षण के प्रति रुचि तथा सहयोग की भावना का विकास करना। एक और प्रश्न देखेंगे, इसमें पूछा है कि उपचारात्मक शिक्षण से क्या अभिप्राय है। इसका उत्तर हम लोग देख लेते हैं। उपचारात्मक शिक्षण वास्तव में छात्र ने जो कुछ सीखा है उसको ध्यान में रखकर उसकी उन्नति प्राप्त करने के लिए होती है। इसके अंतर्गत शिक्षक छात्र को अपनी कमजोरियों के क्षेत्र में अधिक योग्यता की दिशा की ओर अग्रसित करते हैं, ठीक है। जो आपका उपचारात्मक शिक्षण है, जो एक छात्र की कमजोरियां हैं उसको दूर करने के लिए एक शिक्षक क्या करता है, एकदम प्रयास करता है जिससे कि उस छात्र की वो कमजोरी दूर हो जाए। यह उपचारात्मक शिक्षण का एक गुण है, ठीक है। इसमें देखेंगे इसकी परिभाषा आप पूछ लिया है उपचारात्मक शिक्षण की। चलिए हम लोग देख लेते हैं शिक्षा शब्दकोश के अनुसार, ठीक है। उपचारात्मक शिक्षण एक छात्र की कमी निम्न सामान्य योग्यता के कारण नहीं, ठीक है, को अंशतः अथवा पूर्णतः दूर करने के लिए उद्दिष्ट विशेष शिक्षण, ठीक है। मतलब इसमें बताया जा रहा है कि उपचारात्मक जो शिक्षण है इसमें छात्र की जो कमी है, ठीक है, या वो निम्न उस योग्य नहीं है लेकिन उसी कमियों को दूर करने के लिए क्या प्रयत्न किया जाता है। अब देखेंगे उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार के बालकों के लिए उपयोगी है। तो यह जैसे इसमें साथ में दिया गया शैक्षिक रूप से जो पिछड़े बालक हैं उनके लिए उपयोगी है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि बहुस्तरीय शिक्षण से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। विभिन्न उपलब्धि स्तर वाले बालकों को कुशल पूर्वक पढ़ने की योजनाबद्ध प्रक्रिया बहुस्तरीय शिक्षण कहलाती है। देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न कि यूनिसेफ वित्त पोषित रुचिपूर्ण शिक्षा कार्यक्रम का शुभारंभ कब हुआ था। तो दोस्तों यह 1994 ईस्वी में हुआ था। अब अगले प्रश्न देखेंगे छात्रों की त्रुटियों का निराकरण किस प्रकार के शिक्षण के माध्यम से किया जा सकता है। तो वो उपचारात्मक शिक्षण के माध्यम से
किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, अब मेरा वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब जो बचा प्रश्न है मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, आपको मेरा वीडियो कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर मेरे चैनल अपने तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है।